नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कॉस्मिक रिवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं 28 को जो लोग बॉर्न हुए हैं उनके बारे में। 28th ऑफ एनी मंथ, 2 मून का नंबर है और 8 शनि का नंबर है, इज इक्वल टू 10 बनता है, यानी कि आपका फेस नंबर, पर्सनालिटी नंबर है वो 1 बनता है। सो 1 यानी कि सूर्य तो फेम नेम लेके आता है और आपको रूलिंग भी बनाता है। सो आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हो अपने से नीचे लोगों को, आपको करवाना काम बहुत अच्छे से आता है अगर आप नंबर 1 पर सकती हो। लेकिन क्योंकि ये 2 और 8 से बना हुआ 1 है तो 2 सेंसिटिविटी लेके आएगा और 8 जो है वो डिलेज लेके आएगा एंड हार्डवर्क लेके आएगा। सेंसिटिव लोगों को जब हार्डवर्क करना पड़ता है इट मेक्स देम मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड। 8 की वजह से लीगल इश्यूज बने रहेंगे इनकी लाइफ में, लीगल इश्यूज भी बने रहेंगे, कोई ना कोई लीगैलिटी चलती रहेगी इनके ऊपर। और साथ के साथ 28 नंबर वालों के साथ करियर में एक बार डाउनफॉल जरूर आता है तो उनको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है, एक बार रीस्टार्ट करना ही पड़ता है मिनिमम अपनी लाइफ में करियर। सो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स के बाद, बहुत सारे डिलेज के बाद अचीवमेंट्स मिलती हैं, ईजी नहीं है इनकी लाइफ। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं सेंसिटिविटी के साथ साथ, हार्डवर्क जब करना पड़ता है तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन भी बढ़ती है लाइफ में। सो लीगल इश्यूज भी बने रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। सो थोड़ी सी टफ है इनकी लाइफ। सो इसलिए एडवाइस है जो लोग 28 को बॉर्न हुए हैं उनके लिए मंगल की पूजा, इस बजरंग बली की पूजा अगर आप ट्यूजडेज को करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। एवरी ट्यूजडे अगर आप मंदिर जाएं और बजरंग बली की पूजा करें तो आपके लिए डिलेज ऑब्स्टेकल्स कम हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जो लोग 28 को बॉर्न हुए उनके बारे में। और अगर आप आने वाली वीडियोस में 29, 30, 31 को भी देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और पिछली वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।